हे दोस्तों, कुछ टाइम के लिए लॉजिक को साइड में रखकर इमेजिन करो कि आपका एक अच्छा दोस्त है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो हमेशा अपनी कॉलेज और क्लास में टॉप करता है। और क्योंकि वो इतना स्मार्ट है, इसीलिए सब लोग उसे आइंस्टाइन बोलते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन आप दोनों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल जगह के बारे में पता चलता है, जो शहर से बाहर लोगों से दूर है, जहाँ कोई नहीं रहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो जगह पूरी मून की तरह लगती है। मतलब उसकी जमीन और वहाँ की ग्रेविटी भी बोला जाता है इतनी कम है कि वहाँ चलते हुए थकान होती ही नहीं। आप दोनों को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है, सो आप लोग वहां जाने का डिसाइड करते हो वीकेंड पे। क्योंकि आइंस्टाइन के पास गाड़ी होती है, सो आप दोनों गाड़ी से वहां पहुंच जाते हो। वहां पहुंचने पर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि सच वो जगह पूरी मून की तरह ही लग रही होती है। अब आप लोग ग्रेविटी वाली बात को टेस्ट करने के लिए वहां चलने लगते हो, और अगेन सरप्राइजिंगली ये बात भी सच निकलती है, क्योंकि आप लोगों को वहां चलने जरा भी एफर्ट नहीं लगती और आपको ऐसा लगता है जैसे आप लोग चांद पे चल रहे हो। अब उस इंटरेस्टिंग जगह को देखने में आप लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि बस घूमते घूमते अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा दूर उस भूलभुलैया जैसी जगह के एकदम अंदर पहुंच जाते हो। आप मजे कर ही रहे होते हो कि तभी आपके दोस्त को रियलाइज होता है कि नेटवर्क पूरा गायब हो गया है और मोबाइल एंड जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बिना जीपीएस के उधर से निकलना उसे पता था नियरली इम्पॉसिबल होगा। पर आप नहीं घबराते हो और उसे समझाते हो कि फिकर मत करो, मुझे रास्ता याद है। इस बात पर उसे जरा भी यकीन नहीं होता, सो आपको बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम घंटों से यहाँ चल रहे हैं और यह रास्ते इतने अजीब है कि मुझे तक समझ नहीं आए, तो तुमको याद कैसे हो सकता है। आप अगेन उसे शांत कराते हो और बस अपने आप को फॉलो करने बोलते हो। पीछे चलते चलते दोस्त के डर और पैनिक को अवॉइड करते करते आप वापस इजीली अपनी गाड़ी तक फाइनली पहुंच जाते हो, जहां फिर जीपीएस भी काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आइंस्टाइन को ये सारी बातें बहुत शॉकिंग लगती है, सो वो आपसे जिद करके पूछने लगता है कि आपने ऐसा कैसे किया, कैसे आपको वो रास्ते याद हो पाए इतने इजीली। सो उसके इंटरेस्ट को देखकर और असाइनमेंट कंप्लीट कराने की शर्त दिलाकर आप उसे बताते हो कि आपने ये सब कर पाया अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स को अप्लाई करके, जो सब आप उसे पहली मेमोरी टेक्निक का यूज करके समझाना स्टार्ट करते हो, जिसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। आप उसे एक एग्जाम्पल देके बताते हो कि आइंस्टाइन समझो तुम्हारे पास एक मोबाइल है जिसकी मेमोरी में लाखों सॉन्ग्स है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ओल्ड, न्यू और सब एकदम मिक्स है। अब प्रॉब्लम यह है कि उस मोबाइल का सर्च फंक्शन काम नहीं कर रहा और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको बार बार कुछ सॉन्ग सर्च करके उसे किसी को सेंड करना होगा, आज, कल और आगे भी बहुत बार। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही है कि तुम सॉन्ग्स को अलग अलग फोल्डर बना के उसे पहले ऑर्गेनाइज कर दो, लाइक इंग्लिश गाने एक फोल्डर में, हिंदी एक में, पंजाबी और सब अपने अपने फोल्डर में। और अगर आप उस फोल्डर के अंदर और स्पेसिफिक फोल्डर बना दोगे जैसे न्यू, ओल्ड, तो काम और आसान हो जाएगा सर्च करने का। सेम इसी तरह जब हम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर देंगे हमारे ब्रेन में, तो इससे हमें चीजें याद करने और याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। माइंड मैप और कुछ नहीं, बस सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक विजुअल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है, जिसमें आप कोई एक टॉपिक से रिलेटेड बातें याद रखने के लिए ब्रांच डायग्राम बनाते हो कलरफुल विजुअल पिक्चर्स, कीवर्ड्स जैसे चीजों का यूज करते हुए। जैसे मैं अभी ये मेमोरी टेक्निक बताते हुए इसका यूज कर रहा हूं। सो देखते रहो अच्छे से एंड तक, आपको और क्लियर हो जाएगी ये टेक्निक। दूसरी टेक्निक जो मैंने यूज की थी उसे बोलते हैं मेमोरी पैलेस। जब हम इस एरिया के अंदर जा रहे थे तभी मैंने सेफ्टी के लिए रास्ते याद करना स्टार्ट कर दिए थे इस टेक्निक का यूज करके। मेमोरी पैलेस एक बहुत पुरानी मेमोरी टेक्निक है जिसका यूज करके रोमन्स अपने जमाने में पूरी पूरी बुक याद कर लेते थे। और अभी तुम्हें बस शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताऊं तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक जगह सिलेक्ट करनी होगी जिसे हम अपना मेमोरी पैलेस बोलेंगे। ये जगह कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसका चप्पा चप्पा तुम एकदम अच्छे से जानते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा घर, कॉलेज या कॉलोनी, सराउंडिंग और रास्ते एक्सेट्रा। और फिर जो भी चीज तुम्हें याद करनी है उसे उस जगह की चीजों से एसोसिएट कर दो या मिला के याद कर लो। एग्जाम्पल, जब हम कार से निकले तब मैंने ऐसा इमेजिन किया कि मैं अपने घर के रूम से निकल रहा हूँ। थोड़ी दूर पे जब मैंने दो रेक्टेंगल स्क्वायर पत्थर देखे राइट साइड पे, तो मैंने उस पत्थर को अपने घर की राइट हैंड साइड पे जो टीवी रखी हुई है उससे एसोसिएट कर दिया कि वो मेरे हॉल में रखी हुई टीवी है। उसके ही सामने एक बड़ा गड्ढा था, तो मैंने उसे अपने घर के बेड से एसोसिएट किया, क्योंकि उस बेड पे टीवी देखते हुए टाइम वेस्ट करना गड्ढे में गिरने जैसा ही है। और उस जगह को एक चेक पॉइंट बना लिया अपने दिमाग में। फिर आगे मैंने अपनी कॉलोनी की बिल्डिंग्स, उधर के रास्ते और चीजों को एसोसिएट किया इन रास्तों में आने वाली चीजों से, जिससे मेरे को इजीली रास्ते याद हो गए। अगर तुम्हें इसके बारे में कंफ्यूज हो रहा है या डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो तुम सीकन का हाउ टू रिमेम्बर एनीथिंग ये वीडियो देख लेना, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये टेक्निक। अब उन रास्तों को मैंने और भी टेक्निक्स का यूज करके याद किया था, जिनमें से एक टेक्निक का नाम है चंकिंग। एग्जाम्पल, जब हम अराउंड 15 से 20 मिनट चलते हुए अंदर आ गए थे, तब हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां तीन पहाड़ और एक सूखी नदी जैसी चीज थी।
तो मैंने क्या किया कि उन सारे पहाड़ों और सूखी नदी को चंग करके, मतलब ज्वाइन करके, एक पेंटिंग जैसा अज्यूम कर लिया उसे, और फिर उसे अपने घर से 15 से 20 मिनट दूर लेफ्ट हैंड साइड की पेंट कलर शॉप के साथ और एक और चेक पॉइंट बना दिया। अब उस दोस्त को ये अच्छे से समझ नहीं आता, तो आप उसे एग्जाम्पल देके और समझाते हो कि आइंस्टाइन ये अल्फाबेट्स को देखो, अगर मैं इन अल्फाबेट्स को ऐसे ही एक बार तुम्हें याद करने बोलूं तो तुम्हें ये जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वर्ड्स को रीअरेंज करके, चंग करके बताऊं कि ये अल्फाबेट से एक सेंटेंस बनता है जो है वी लव सीकेन, तो ये एक सेंटेंस तुम्हारे लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल बताऊं तो 3 पेज का आंसर एक साथ याद करने प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आंसर्स को चंग करके याद करना इजी होता है। सेम इसी तरह चीजों को मिला के या उसके टुकड़े करके चंग बना के चीजें याद करना अच्छा होता है ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए। तीसरी टेक्निक का बेस है विजुअलाइजेशन। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्टिंग से ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान नहीं रखा, कि मैंने कितने कदम लिए, कितने लेफ्ट, कितने राइट, डेटा, नंबर्स एक्सेट्रा पे ध्यान नहीं दिया, बट मैंने विजुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान रखा रास्तों की, जैसे कि कहां क्या देखने मिला, और विजुअलाइजेशन करके अपने दिमाग में इमेजेस बना के अपने घर के आसपास के रास्तों को इस रास्तों से एसोसिएट करके मैं सब अच्छे से याद कर पाया, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत पहले जब इंसान लैंग्वेज का यूज ही नहीं करता था, तब से हम पिक्चर्स और पेंटिंग बना के कम्युनिकेट करते थे आपस में, इसीलिए हमारी विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल बन गई है तब से, जिसका हमें हमेशा यूज भी करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको एक नाम याद करना है जो है समझो मार्क क्यूबिन, तो अगर आप उसको विजुअलाइज इमेज बना के, जैसे कि मार्क बन गया क्यूब, सो हो गया मार्क क्यूबिन, अब आपको ऐसे विजुअलाइज करने के बाद ये नाम बहुत अच्छे से याद रहेगा ज्यादा टाइम तक, बजाय बस मार्क क्यूबिन रट्टा मारने से। सेम आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, मतलब आप नंबर को इमेज से रिप्लेस करके उन्हें भी इजीली याद कर सकते हो। मेमोरी चैंपियन जोशुआ ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में पाई के 100 नंबर तक याद करके सिखाया है ये टेक्निक का यूज करके, सो अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उनसे सीखना है तो वो तुम यूट्यूब से जाके देख लेना। अब ऑब्वियसली किसी भी स्किल की तरह ये भी एक स्किल है, जिसका जोशुआ की तरह मास्टर बनने के लिए तुमको स्टार्टिंग में काफी प्रैक्टिस करनी होगी, पहले टाइम लगेगा चीजें समझने के लिए और आदत बनने के लिए, लेकिन एक बार अगर ये सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तुम्हारे लिए हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स, थाउजेंड्स ऑफ नाम और बड़ी बड़े इन्फॉर्मेशन डेटा को याद करना बच्चों का खेल बन जाएगा। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करते टाइम ये बात याद रखना कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना, क्योंकि कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये पता होना भी जरूरी है। और एक लास्ट बात, प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हारी अवेयरनेस फुल होनी चाहिए, अपने पांचों सेंसेस का अच्छे से यूज करते हुए, पूरे फोकस के साथ, ना कि डिस्ट्रैक्शन के साथ प्रैक्टिस करना। अब आपकी ये सारी बातें सुनकर आइंस्टाइन बोलता है, वेट, तुमने जितनी भी बातें बोली है मैं उसे एक बार रिवाइज कर लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। सो आप बोलते हो एग्जैक्टली, तुमने सही कहा आइंस्टाइन, मैं जितनी भी टेक्निक्स बताने वाला था उसमें से एक टेक्निक ये भी है कि हमें चीजें समझने के या याद करने के बाद कुछ टाइम में ही उसे वापस रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम उसे भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को वही बातें इंपॉर्टेंट लगती है जो बार बार उसे याद आती है या याद कराई जाती है। सो अब आइंस्टाइन सारी बातें रिपीट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले तुमने बताया माइंड मैपिंग के बारे में, जहां हम सीखी जाने वाली बातों का एक ब्रांच डायग्राम टाइप बनाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो और याद रहे। हम वहां कलरफुल विजुअल इमेजेस और कीवर्ड्स का यूज करते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। फिर तुमने बताया मेमोरी पैलेस के बारे में, जहां हमें कोई खुद की जगह जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है कि कहां क्या चीज है, कहां क्या रोड है, ऐसी जगह को अपना माइंड पैलेस बनाना है, और फिर जो भी चीजें हमें याद करनी है उसे हम मेमोरी पैलेस की चीजों से एसोसिएट करके उन्हें याद कर लेंगे। फिर तुमने बताया चंकिंग के बारे में, जहां हमें चीजों को टुकड़ों में करके याद करनी चाहिए या ऐसे मिला के याद करनी चाहिए जो हमारे लिए समझने और याद करने में आसान हो। फिर तुमने बताया कैसे हमें रैंडम फैक्ट्स और नंबर्स ऐसे ही नॉर्मली याद करने के बजाय विजुअलाइजेशन का यूज करके, इमेजेस का यूज करके उन्हें याद करना चाहिए। फिर तुमने बताया कि सारी चीजों में मास्टर बनने के लिए किसी भी स्किल की तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मुझे हमेशा करनी चाहिए मेजर करते हुए डीप अवेयरनेस के साथ। लास्ट में तुमने बताया कि रेपिटेशन करना भी बहुत जरूरी है, वरना हम याद करी हुई चीजों को भूल जाएंगे। फिर आप बोलते हो एग्जैक्टली आइंस्टाइन, तुमने एकदम सही बोला, और फिर आप दोनों वापस घर आ जाते हो सीकेन का ये वीडियो देखने के लिए, जहां मैं आपको लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टेक्निक बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये सारी चीजें, टेक्निक्स जो आपको एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में, वो पूरी एक स्टोरी फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट बना के चीजें याद रखना एक सबसे पावरफुल टेक्निक है हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। हमारे ब्रेन को स्टोरी बहुत पसंद आती है 3 रीजंस की वजह से। पहली, क्योंकि वो एपिसोडिक होती है, मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ और आखिर में ये हुआ। ऐसा एपिसोडिक फॉर्मेट चीजें याद करने में बहुत हेल्प करता है।
दूसरा, स्टोरी में टाइमलाइन होता है, मतलब एक साल बाद या इतने टाइम में ये सब हुआ। और तीसरा, स्टोरी लोकेशन बेस्ड भी होती है, मतलब कॉलेज में वो दोस्त बने और कॉफी शॉप में उनकी लड़ाई हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हमें एसोसिएशन बनाने में हेल्प करता है। ब्रेन हमेशा कनेक्शन सर्च करता रहता है अलग अलग चीजों में, और स्टोरी तो पूरी कनेक्शन के बेस पे ही चलती है, इन तीन रीजंस की वजह से और ज्यादा। इसीलिए इसे आप सबसे पावरफुल टेक्निक भी मान सकते हो। आप खुद ही नोटिस करना इस बात को, ये वीडियो में बताई स्टोरी और उससे रिलेटेड बातें आपको बस आज या कल ही नहीं बल्कि सालों बाद भी याद रहेंगी। पूरी नहीं मे बी, तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो याद रहेंगे ही, और अगर बीच में वापस देख लोगे ये वीडियो तो और ज्यादा बातें और ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी आपको। और इस वीडियो को खत्म करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात, हैप्पी दिवाली आप सबको, सेफ रहो, प्यार बांटो और खुश रहो इस दिवाली और हमेशा। और लास्ट, अगर आपको ये सारी टेक्निक्स और दूसरी और भी मेमोरी टेक्निक्स सीखना है तो मैंने डिटेल में अपने पहले कुछ वीडियोस में वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। मैंने 3 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है जो आप जरूर चेकआउट करें यहाँ क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन बाय वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन जोशुआ फॉयर इस बुक से बताई है। इस बुक में ऑथर ने ये सारी टेक्निक्स को डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, और कई दूसरी मेमोरी टेक्निक्स भी एक्सप्लेन करी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से एक बड़े मेमोरी चैंपियन बन पाए। सो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है उनकी बुक से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो बुक खरीद सकते हो। और अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप ऑडिबल से जाके ले सकते हो मेरे seekin.in वेबसाइट के थ्रू जाके, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। शेयर करें इस वीडियो को ताकि लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो और हमारा देश भी तरक्की करे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।